Welcome back all of you. Very nice. Now today Vedashri is going to tell us a story of Pico Bird. So let's start, Vedashri. Hi friends. Good morning all of you. Nice. My name is Vedashri. I am Pasankar. I am 3 years old. My school name is Archangel's 3 Primary School. Okay, very nice. So let's start the story. The Pico is a small bird. She lives on a nest with her mother. One day, her mother flies away to look for food. Pico does not know where her mother is. Pico flies down for the nest. And she finds find to her mother here and there. Then she sees a cat and asks a cat, "I'm my mother." The cat says, No, "I'm not your mother. I am a cat." Meow, meow. Very nice. Now, next she sees a dog. When asks a dog, "I'm my mother." The dog says, No, "I'm not your mother. I am a dog." Woof, woof. Next, she sees a hen. Then asks a hen, "I'm my mother." And hen says, No, "I'm not your mother. I am a hen." Cluck, cluck, cluck. Then she rabbit. Sees a rabbit. Then ask a rabbit, "Are you my mother?" Then rabbit says, No, "I'm not your mother. I'm a rabbit." Then the rabbit. Then zoom. Tigers come long. Then ask him, "Are you my mother?" Then tiger says, No, "I'm not your mother. I am a tiger. Yes, and then Pico flies. Going back to the nest. She is. Where is my mother? Mother comes back to the nest. Then she. Pico. Says, "Oh my dear Mama, huh? I was looking for you here and there." And mother replies, "Oh my dear baby, I had gone bring food for you." Then Pico says, "Oh my dear Mama, don't leave me alone again. Oh my dear baby, I never alone again." And they leave happy ever after. So moral story is, bolo zor se bolo, so moral story pura boliye, so moral story, moral of the story bolo pura wapas. Moral story is, bolo happiness, bolo happiness is key to success. यस तो ऐसे ही आपको भी बोलनी है स्टोरी एग्जाम के लिए. ओके तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं बोलनी है तो हिंदी में भी बोल सकते हो. ओके हिंदी में बताओगे आप वापस? बोलो चलो. पिकू एक छोटी सी यहाँ पर आई है. पिकू एक छोटी सी बर्ड थी. वो नेस्ट में लेती थी उसके मॉम के साथ. देन एक दिन क्या हुआ, वो उड़ गई खाना ढूंढने के लिए. और फिर क्या हुआ, पिकू को पता नहीं था उसकी मम्मा कहाँ गई. तो पिकू कहाँ आ गया, नेस्ट से नीचे आ गया. और उसे कौन दिखा पहले, पिकू को कौन दिखा, कैट दिखी. और उस पिकू ने क्या पूछा कैट से, आर यू मदर. कैट ने कहा क्या कहा, नो नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं, मैं तो कैट हूँ. देन पिकू को कौन दिखा बताइए, कौन दिखा, डॉग दिखा. फिर डॉग से क्या पूछा पिकू ने, आई माय मदर. तो डॉग ने कहा नहीं,
कौन लिखा पिकू को? देन पिकू ने क्या पूछा हेन से? आई माय मदर। तो हेन ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मम्मा नहीं। देन पिकू को कौन दिखा बताइए? रैबिट। एंड रैबिट को क्या पूछा पिकू ने? मदर, तुम मेरी मम्मा हो। तो रैबिट ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो एक रैबिट हूँ। और फिर कौन दिखा पिकू को? कौन सामने आया पिकू के? कौन कौन आया बताइए आप? टाइगर। और पिकू ने टाइगर से क्या पूछा? कहा जाके बैठा? क्यों पिकू दुखी हुआ? उसकी मम्मा मिली नहीं तो कहा जाके बैठा? वापस फ्लाइज बैक टू नेस्ट, वापस नेस्ट में जाके बैठ गया। और क्या विचार करने लगा? थिंक करने लगा। क्या करने लगा? कहाँ है मेरी मम्मा? कहाँ गई है मेरी मम्मा? तो सून मदर कम बैक टू द नेस्ट। पिकू की मम्मा जल्द ही नेस्ट में आ गई खाना लेके। तो फिर पिकू ने बोला, ओ माय डियर मम्मा, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो मम्मा ने क्या कहा? I had gone bring food for you. मैं तो तुम्हारे लिए खाना लाने गई थी। तो पिकू ने क्या कहा? Oh my dear mom, please don't leave me alone again. वापस कभी भी मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। तो मम्मा ने क्या कहा? मैं कभी नहीं जाऊंगी अभी तुम्हें अकेला छोड़ के। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे खुशी से। तो मोरल क्या है? Happiness is key to success. है कि नहीं? मतलब हमारे तरह की चाबी क्या है? खुश रहना। तो खुश रहना है सबको अपने फैमिली के साथ, है कि नहीं? तो ये थी हमारे पिकू बर्ड की स्टोरी। तो आप इंग्लिश में या हिंदी में या फिर मराठी में भी बोल सकते हो, ओके? तो प्लीज आप कीजिए प्रैक्टिस स्टोरी की और राइम्स की। और अभी फ्राइडे को रिवांश ओजस 25th of September को कौन भेजेगा मुझे? रिवांश ओजस एंड ईशानी। सो प्लीज आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे से आप मुझे भेजिए आपके राइम्स, कोई भी दो राइम्स एंड वन पिकू बर्ड की हमारी स्टोरी, ओके? तो आपके पास प्रॉप्स नहीं है तो प्रॉप्स मत लो, ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझने के लिए दिखाया है, ओके? आपने ऐसे ही बताया ना तो भी ना, ओके? ऐसे ही बताइए या फिर बुक हाथ में लेके बताइए, ओके? तो बुक में तो आपके क्या किया है, अलग अलग दिया है, पहले कैट मिलती है उसे, देन हैन, देन टाइगर। तो हमने क्या किया है, अल्फाबेटिक ऑर्डर से मैंने लगाया है। पहले सी आता है तो कैट लिया है मैंने, देन डी आता है, ओके? इन्होंने हैन ली है तो मैंने यहाँ पे डॉग लिया है सेकंड, क्योंकि सी के बाद डी आता है कि नहीं? एंड डी के बाद आता है थोड़ा सा दूर तक हैन, एच आता है पहले, एंड देन आर, देन आर आता है, इसलिए रैबिट उसके बाद में लिया है, हैन के बाद, एंड टाइगर सबसे लास्ट लिया है, ओके? तो मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर से मैंने ये सारे कैरेक्टर्स अरेंज किए हैं, ओके? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे थोड़ा अलग है, हैन है पहले, देन टाइगर है, देन डॉग है। तो मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर से सारे कैरेक्टर्स लिए हैं, ओके? एनिमल कैरेक्टर्स। तो अभी वैसे ही कीजिए ताकि आपको पता चले कि पहले कैट, सी ए टी कैट, सी आता है, देन डी आर जी डॉग, डी आता है, देन उसके बाद एच हैन है तो एच डी के थोड़ा सा बाद एच आता है पहले, एंड देन आर रैबिट, एंड देन टी टाइगर आता है, है कि नहीं? तो ऐसे अल्फाबेटिक ऑर्डर से हमने लगाया है, वैसे ही आप भी कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए और भेज दीजिए मुझे, ओके? सो अभी हम चिड़िया रानी का गाना बोलेंगे, चलो चिड़िया रानी। चलो ये राइम तो एग्जाम के लिए नहीं है, ये ऐसे ही हम गा रहे हैं, ओके? चलो 1 2 3 स्टार्ट। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, नित्य सवेरे हमें जगाती, पेड़ों के डाल पे इनका बसेरा, सांझ होते ही ये सो जाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चुभती दाना पीती पानी, ची ची करके दाना खाती, फुर फुर करके ये उड़ जाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, दूर दूर
लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से कीजिए एंड स्टडी भी कीजिए, हमारा जो रिटन एग्जाम है उसके लिए भी प्रैक्टिस कीजिए और ओरल एग्जाम की भी प्रैक्टिस कीजिए। सो टिल देन बाय बाय एवरीवन।